बेड वेटिंग करना, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस तथा बिछाना गीला करना, इसके बारे में मैं पार्ट्स में बात करने वाला हूं। तो ये भाग एक, तो आपका स्वागत है। काफी माँ बाप परेशान है कि बच्चा बड़ा होने के बाद में भी वो बेड गीला कर देता है। यूजुअली 3 साल के बाद में बच्चों को कंट्रोल आ जाता है और रात में बच्चे बेड गीला करते नहीं हैं। यदि 3 साल के बाद में भी बच्चा बेड गीला करता है तो ठीक है, थोड़ा बड़ा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल के बच्चे दिन में भी बेड गीला करते हैं या दिन में भी कपड़े गीले करते हैं और उनका यूरिन के ऊपर कंट्रोल आता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बच्चा 5 साल से भी बड़ा हो गया है और तभी भी वो बिछाने में बेड में पेशाब कर रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैकिंटॉश शीट डालना, बेड के ऊपर प्लास्टिक कवर डालना वगैरह वगैरह काम किया जाता है माँ बाप से। क्या होता है कि बच्चा उससे भी बड़ा हो गया, 8-9 साल का, 10 साल का है और तभी भी बेड गीला कर रहा है तो उसको बहुत ही बेकार लगता है खुद को। घर के लोग भी बोलते हैं, अरे तू इतना बड़ा हो गया तू बेड कैसा गीला कर रहा है, और उसको भी काफ़ी ऐसा सेल्फ इमेज उसकी डाउन हो जाती है, खुद को अच्छा लगता नहीं है, उसको टोकते भी है लोग और उसको नीचा भी बताते हैं, उसको भी अच्छा लगता नहीं है और ये प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई उसको अलग रखो, उसको एक आइसोलेट कर दो, बाहर किसके यहाँ वो मेहमान करके जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ जाएंगा तो बेड गीला करेगा, इतना बड़ा 10-12 साल का लड़का हो गया, पेशाब कर रहा है कपड़े में तो अच्छा लगता नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे सोशल प्रॉब्लम भी इसमें आते रहते हैं। तो अभी इसके लिए करना क्या है? तो ये महत्व का है कि हमने बच्चों को बुरा बोलना नहीं है या उसको गलत साबित नहीं करना है या उसको टोकना नहीं है, उसको ठोकना नहीं है, कुछ भी उसको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करना है कि तू गीला कर रहा है, तू अच्छा नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू इतना बड़ा हो गया, ऐसा टोकना ठोकना झोंकना कुछ भी नहीं करने का है। फिर क्या करने का है? तो उसको हम धीरे 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 एक बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं और बिहेवियर थेरेपी से उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। एक तो क्या है कि उसमें एक तो मेडिसिन है, एमिप्रामिन दवाई हम देते हैं, एमिप्रामिन दवाई से काफ़ी फर्क पड़ जाता है। कुछ एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। मगर ये दवाइयों के साइड इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है और वो दवाई से फायदा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये दवाई से साइड इफेक्ट भी और दूसरे है, जैसे नींद आना दिन में या रात में बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद सो जाना, ऐसा भी हो जाता है। तभी भी ये एमिप्रामिन जो दवाई है या एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कोई डाउट नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। अभी इसके अलावा क्या करना चाहिए तो वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।